सरकार किसानों की सुविधाओं के लिए लगातार काम करती आ रही है। ऐसा ही एक काम और सरकार ने किया है जिससे अब किसान अपनी उपज बेचने के लिए परेशान नहीं होंगे। इंतजार और लंबी लाइनों को खत्म करने के लिए मध्य प्रदेश की 39 मंडियों को डिजिटल करने के लिए ई मंडी प्लेटफॉर्म तैयार किया गया है। मध्य प्रदेश में दूसरे नंबर का स्थान रखने वाली खंडवा मंडी में भी ई मंडी प्लेटफॉर्म से किसान अपनी उपज बेच पाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के क्लीन इंडिया और डिजिटल इंडिया सपने को साकार करने वाले खंडवा मंडी समिति की पहल रंग ला रही है। अब किसान समय की बचत से अपने परिवार और खेत दोनों को समय दे पा रहे हैं। खंडवा कृषि मंडी के सचिव ओपी खेड़े ने बताया कि प्रदेश में 259 कृषि उपज मंडी और 298 उप मंडी मौजूद हैं। इन मंडियों में कृषक अपनी उपज बेचने के लिए लगातार आते रहते हैं। उनकी कई तरह की परेशानियों का सामना भी करना पड़ता था। मध्य प्रदेश सरकार की मंशा है कि प्रदेश में मंडी हाईटेक हो। कृषकों की परेशानियों को दूर करने के लिए मध्य प्रदेश की 39 मंडियों को ई मंडी प्लेटफॉर्म के माध्यम से डिजिटल किया जा रहा है। किसान के मंडी प्रांगण में प्रवेश से लेकर उसके आने जाने तक सब कुछ पेपरलेस करने के लिए ये प्रयोग किया जा रहा है। देखिए, अभी हमारे यहाँ मध्य प्रदेश शासन के सहयोग से हमारे मंडी बोर्ड द्वारा ई मंडी प्लेटफॉर्म लागू किया गया है और ये बहुत सरलीकरण किया गया है। इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म है ये और इसमें हम लोग पहले बहुत दस्तावेजों को हमें संभालने होते थे, लिखने होते थे। अब हमारा किसान भाई जैसे ही प्रवेश करेगा, बल्कि वो अपने घर से ये कि प्रवेश भी बना लाएंगे तो उनको बार बार प्रवेश बनाना नहीं पड़ेगा। वो अगली बार जब मंडी आएंगे तो वो अपना मोबाइल नंबर भी बताएंगे तो उनकी ये प्रवेश पूरी तरह से इलेक्ट्रॉनिक बन जाएगी। उसके बाद सारी चीज़ें हम लोग POS मशीन से करेंगे। टोल भी हमारा जो है एंड्रॉयड मोबाइल से होगा। भुगतान भी हमारे व्यापारी भाई जो है वो जो है ई मंडी पोर्टल से कर देंगे। सर, पहले क्या होता था कि आदमी को आधा आधा घंटा लाइन में लगना पड़ता था, उसके बाद पर्ची कटती थी। अब क्या सीधा डिजिटल इंडिया के माध्यम से पूरा ऑनलाइन हो गया है, इसलिए किसानों को बहुत अच्छी सुविधा है। ई चालानी आने से हमको बहुत सुविधा हो गई है। पहले हमको लाइन में लगना पड़ता था, पर्ची कटवाना पड़ता था, एक के एक धक्का मुक्की होती थी। अब उसकी परेशानी नहीं आ रही। गए, बोला मोबाइल नंबर, उन्हें हमारी पर्ची निकाल दी। 10 मिनट का काम 2 मिनट में हो रहा है। जो मोदी जी ने ई प्रणाली जो करी है चालू, उससे लाइन लगने की जरूरत नहीं है। अपने मोबाइल से ही अपन अपनी फसल को बेच सकते हैं, उसका पंजीयन करा सकते हैं। मतलब ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं होता है। वो अपन ई मंडी के हिसाब से अपन पंजीयन पे जाओ, अपना पंजीयन जो गेहूँ है, गेहूँ चना है, चना सोयाबीन जो भी फसल हो उसको अपन डाल के उसकी कितनी मात्रा है वो उसके द्वारा अपने को कोड नंबर मिल जाएगा। कोड नंबर से अपना पंजीयन हो जाता है।